वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुशीर बराए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड ऑस्टेरिटी जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन ने गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया और बिजनेसमैनों से ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां मेहमान बुलाया। आपके जो मसाइल हैं वो मिनिस्ट्रीज और इदारों तक पहुंचाऊंगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी इन्फॉर्म करूंगा ताकि मसाइल के हल के लिए काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सूबों को 60% वसाइल हासिल हैं जबकि फेडरल को 40% वसाइल हासिल हैं। सालाना खसारे के बायस मुल्क को चलाने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। सूबों में नौकरियों और इदारों की तादाद बढ़ तो रही है लेकिन सिस्टम में वाज़े बेहतरी नहीं आ रही। बिजली और गैस के अलावा आम इंसान और इंडस्ट्री के तमाम मसाइल सूबाई गवर्नमेंट के जिम्मे में आते हैं लेकिन मेरी इसमें राय ये है कि इख्तियारात को डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल की सतह तक मुंतकिल होना चाहिए और वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने इलाकों के मसाइल हल करने के लिए काम कर सकें। पाकिस्तान को इंक्लूड किया है उन मार्केट से जहाँ से वो लेबर लेकर जाएंगे और उनको 8 लाख लोगों की जरूरत है आज, एक साल में नहीं। वैसे ये कौन से शोबे हैं? आईटी में और इंजीनियरिंग में इसमें ज़्यादा है डिमांड जो होगी वो आईटी और इंजीनियरिंग में ज़्यादा है। तो आप लोग यहाँ पर जो आईटी के इंस्टीट्यूट्स हैं और जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर स्किल्ड लेबर, जैसे अगर आपके स्किल लेबर है फर्नीचर में या स्किल लेबर है सिरेमिक्स में या स्किल लेबर है लेदर गुड्स में, उनकी भी उनको जरूरत पड़ेगी। इस मौके पर सदर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी वहीदुद्दीन ने डॉक्टर इशरत हुसैन को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मौजूदा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर आपकी खिदमत काबिल तहसीन है। इजलास के दौरान गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सुदूर ने गुजरात की फैन, पाटरी और दीगर इंडस्ट्रीज को दरपेश मसाइल के बारे डॉक्टर इशरत हुसैन को आगाह किया, जिस पर डॉक्टर इशरत हुसैन ने बिजनेस मैनों को मुतलका मसाइल के हवाले से हिदायत जारी की। इस मौके पर गुजरात चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबरान और कमेटी चेयरमैन की कसीर तादाद मौजूद थी। महमूद अख्तर महमूद, आवास न्यूज़ गुजरात।